दोस्तों इस वीडियो में हम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के 6 स्टेप्स के बारे में बताएंगे। हम आपको 6 ऐसे स्टेप बताएंगे जिसे आप अप्लाई करके बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं या आप उतना पैसा कमा सकते हैं जितना आप कमाना चाहते हैं, आप पैसों से मुक्त हो सकते हैं। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है दोस्तों पैसा कमाओ। दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है आपको पैसे कमाना चाहिए। कमाने का ये मतलब है आप चाहे थोड़ा पैसे कमाएं या ज़्यादा पैसे कमाएं, आप चाहे हार्ड स्किल्स करें या सॉफ्ट स्किल्स से पैसे कमाएं, आप चाहे फ्रीलांसिंग करें, बिजनेस करें, जॉब करें, कुछ भी करें, आप कोई भी काम क्यों ना करें या किसी भी तरीके की काम क्यों ना करें, आपको पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम का या अमीरी का पहला रास्ता यही होता है, जब आप कमाना चालू करेंगे तो ये पहला स्टेप आपका पूरा हो जाएगा। जब आप पैसे कमाने लग जाएंगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ ही जाएंगे। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है दोस्तों पैसा बचाओ। दोस्तों अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं जिससे आपको इनकम मिल रहा है तो आपको उस इनकम को पूरी तरीके से एक्सपेंस पर खर्च नहीं कर देना है या आपको उसे पूरी तरीके से खर्च नहीं कर देना है। आपको कोशिश करना है कि आप उन पैसे को बचाने की कोशिश करें। आप कितना भी पैसा कमाएं, चाहे आप 10,000 कमाएं या 1,00,000 हर महीने का कमाएं, आपको उसमें से 10% या 20% या जितना भी आपके बजट के हिसाब से आपका बनता है उन पैसे को बचाने की कोशिश कीजिए। आप जितना परसेंटेज अपने मंथली इनकम का बचाएंगे उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए दूसरा स्टेप है पैसे बचाओ। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा स्टेप है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आपको और ले जाएगा। तीसरा है दोस्तों पैसा इन्वेस्ट करो। दोस्तों एक बार आपने पैसा कमाना चालू कर दिया उसके बाद अगर आप कमाने के बाद में पैसा बचाने भी लग जाए तो दोस्तों सेविंग करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि सेविंग करने का एक लिमिट होता है, आप जितना कमाएंगे उतना ही सेव करते हैं। इसलिए तीसरे पॉइंट को फॉलो कीजिए। तीसरा है पैसा इन्वेस्ट करो। दोस्तों आपको जो भी पैसे सेव किए हुए हैं उनको इन्वेस्टमेंट से लगाना है, और इन्वेस्टमेंट में इस प्रकार नहीं लगाना है जिस प्रकार बाकी लोग लगाते हैं या अंधाधुन लगाते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक से पहले सीख जाना है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, और अपने पैसे को उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जिसके बारे में आपको नॉलेज हो या जिस कंपनी के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो। चलिए चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा है इन्वेस्टमेंट से मिले रिटर्न को फिर से इन्वेस्ट कीजिए, इसे री इन्वेस्ट कहते हैं। दोस्तों जब आप कहीं इन्वेस्ट करने लग जाएंगे और आपको पता चल जाएगा किस तरीके से कंपनी आपको डिविडेंड देती है, कितना रिटर्न आपको कितने टाइम में मिलता है और किस तरीके से आपका पैसा ग्रो हो करके चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा आपको और भी ज़्यादा पैसा मिलने लग जाता है, तो जो पैसा आपको मिल रहा है उसे फिर से इन्वेस्ट कीजिए। आप चाहे किसी भी कंपनी में करें, आप जिस कंपनी में करें उसमें री इन्वेस्ट करें, उसके बारे में पहले बहुत अच्छे तरीके से जान लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या काम कर रही है, किस तरीके से उस कंपनी का टर्नओवर क्या है, उस कंपनी का प्रॉफिट रेट कितना है, वो कंपनी के एम्प्लॉय किस तरीके से है, उस कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है। दोस्तों आप किसी भी कंपनी को पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही उनमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए। या री इन्वेस्ट भी करना है तो आप उन्हीं कंपनी में कीजिए जिसमें आप पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जिस पर आपको पूरा बिलीव है। दोस्तों आप अपने बिलीव के हिसाब से चलेंगे या आप फैक्ट के हिसाब से चलेंगे, आप एक साइंस या मैथ्स के हिसाब से चलेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिलवाएगा। आपको अपने लॉजिक के हिसाब से चलना है, ना कि इमोशंस के हिसाब से। चलिए पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवा है दोस्तों ज़्यादा इनकम सोर्स बनाओ। अब दोस्तों इस तरीके से आपका पैसा कमाना तो चालू हो गया और वहीं इन्वेस्टमेंट से भी आपको पैसे आने लग गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ दो ही इनकम सोर्स रहेंगे। अब आपको ज़्यादा इनकम सोर्स बनाने हैं। अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो उसमें साइड बिजनेस करने की कोशिश कीजिए या कोई ऐसा इनकम सोर्स बनाइए जिससे आपको और भी ज़्यादा पैसे मिल जाए। दोस्तों आपका इनकम सोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको बहुत ज़्यादा इनकम सोर्सेज बनाने चाहिए। दोस्तों जितने भी लोगों को अगर आप आज देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम पूरी तरीके से अचीव कर सके हैं, तो उनका कारण यही है कि उनके पास बहुत ज़्यादा इनकम सोर्सेज है, या वो लोग कहीं एक ही जगह से पैसा नहीं बनाते हैं। उनके पास पैसे का सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि बहुत सारे पेड़ है। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आप ज़्यादा इनकम सोर्स बनाओ, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। चलिए 6 स्टेप्स की बात करते हैं। छठवा स्टेप है दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लो। दोस्तों छठवे स्टेप में आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आप 5 स्टेप को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो छठवा स्टेप अपने आप आपके पास में उछल करके आ जाएगा या अपने आप आपको अचीव हो जाएगा। दोस्तों छठवां स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को समझना पड़ जाएगा। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अपने जो भी प्लान है उसके हिसाब से अचीव कर लेंगे, जितना आपका गोल है, जितना पैसा कमाना चाहते हैं उतना आप कमा लेंगे, इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं। यही स्टेप है दोस्तों, जिसे आप अगर अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं और अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से या अपने जो भी लॉजिक के हिसाब से इन चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज करके इन पर पूरी तरीके से काम करते हैं, इन पर एक्शन लेते हैं, तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद।